हेलो एवरीवन वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल ओबी में आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे परसेप्शन के बारे में सो लेट्स कवर इन द लास्ट लेक्चर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द इंडिविजुअल डिफरेंसेस ऑन फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस दैट टॉपिक वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इफ़ यू हैव एनी डाउट एंड एनी क्वरे इन दैट कैन अगेन डिस्कस ओके सो लेट्स टूडे सेशन

में बहुत सारे इवेंट्स अकर हो रहे हैं बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं इवन कोई भी इवेंट है कोई भी प्यूपल है ठीक है और कोई भी थिंग है कुछ भी इन तीनों में से अगर कोई भी एक चीज़ है दैट इज़ स्टिमुलस फॉर अ पर्सन हु इज़ परसीविंग जो भी परसेप्शन कर रहा है उनके लिए कोई भी एक इवेंट और उस इवेंट में जो भी चीज़ें हो रही हैं वो उसके लिए स्टमलाएँ हैं जिनको हम स्टिमुलस कह रहे हैं ठीक है अब यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी परसेप्शन की कि भी एनवायरमेंट में जो चीज़ें हो रही हैं चाहे वो कुछ भी हो रहा है टू पर्सनस आर कम्युनिकेटिंग टू ईच अदर वन इज़ ईटिंग सेकेंड इज डूइंग समथिंग एक्स्ट्रा वर्क राइटिंग ऑन अ पेपर तो ये सारी चीज़ें एनवायरमेंट में स्टिमलाएँ हैं अब ये क्या है जो पर्सन उस एनवायरमेंट को परसीव कर रहा है वो वहाँ से स्टुमलाई को रिसीव करता है और रिसीव करने के बाद उनको एग्जा ऑर्गनाइज uh, करता है और ऑर्गनाइज करने के बाद उनको एक मीनिंगफुल स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर देता है तो इसी को हम परसेप्शन कहते हैं ठीक है परसेप्शन इज़ द फर्स्ट इवेंट दैट चेंज विच लीड्स टू द स्टिमुलस ओके परसेप्शन इज़ अ हाईली इंडिविजुलाइज्ड प्रोसेस दैट हेल्प्स एंड ऑर्गेनिज्म इन ऑर्गेनाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग

जितने भी हमारे सेंसरी ऑर्गन्स हैं हम इनको स्टिमुलेट करते हैं एनवायरनमेंट के लिए और वहाँ से इंफॉर्मेशन को हम रिसीव करते हैं ऑर्गेनाइज करते हैं तो वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है अ कॉम्प्लेक्स पैटर्न ऑफ सेंसरी स्टिमुलेशंस फॉर गिविंग दैम नेसेसरी मीनिंग सो इट इज़ कंसर्न विद द टास्क ऑफ ऑर्गेनाइजिंग फुल पैटर्न और होल How we perceive? We are not aware of the process that determine our perception, but uh, whether they are perception, a sight, hearing or touch, we clear, uh, rarely stop to analyze the incoming sensation and basis of our interpretations. Okay, meaning, of, meaning and definition of, definition of perception. Perception is act of interpreting a stimulus generated in the brain by one or more sense mechanism. Sense is, sensation is a part of perception. सेंसे, सेंसेशन क्या है सेंसेशन इज़ अ प्राइमरी स्टेज ऑफ परसैप्शन जितनी भी इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ें हो रही हैं कोई भी इवेंट हो रहा है वहाँ पर हम अपनी सेंसोरी ऑर्गनस को स्टिमुलेट करते हैं हमारे जैसे सपोज कोई भी चीज़ एन्वायरमेंट में हो रही है तो हम अपने वहाँ से उनको हम देखेंगे हम उन्हें ऑब्जर्व करेंगे अगर कोई वॉइस है वहाँ पर ठीक है तो हम उसको सुनेंगे कि भाई क्या चीज़ें चल रही हैं तो जो हमारे जो सेंसोरी ऑर्गन्स होते हैं हम इनको स्टिमुलेट करते हैं यानी कि सेंशेशन का प्रोसेस पहले स्टार्ट हो जाता है सेंसेशन इज़ अ पार्ट ऑफ परसेप्शन ठीक है जहाँ अपने स्टमिलाई स्टमुलस जो सेंसुरी ऑर्गन्स हैं उनको स्टमुलेट करते हैं स्टुमलाई के लिए और वो स्टुबला वहाँ से हम स्टलाई को सबसे पहले रिसीव करते हैं रिसीव करने के बाद सिलेक्ट करते हैं फिर ऑर्गनाइज करते हैं सो ऑल द प्रोसेस इन्वॉल्व इन क्रिएटिंग मीनिंगफुल पैटर्न आउट ऑफ अ जम्बल ऑफ सेंसुरी इंप्रेशन फॉल अंडर द जर्नरल कैटेगरी ऑफ परसेप्शन जो कि चार्ल्स जोरिस ने इसको डिफाइन किया परसैशन अगेन अ डेफिनेशन परसैप्शन है क्या परसैप्शन इज ऑर्गनाइजिंग प्रोसेस आप पूरे प्रोसेस को ऑर्गनाइज कर रहे हो जो भी इंफॉर्मेशन आपने एनवायरमेंट से रिसीव करी है फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ऑर्गनाइज दैट इन्फॉर्मेशन आपको उसको ऑर्डरवाइज ऑर्गनाइज करना है प्लेस करना है एंड आफ्टर दैट यू हैव टू इंटरप्रेट दैट इन्फॉर्मेशन सो यू कैन ईजिली फाइंड अ स्टेटमेंट और आ सोल्यूशन ठीक है आप उसको इंटरप्रेट करेंगे इंटरप्रेट करने के बाद उसको एक स्टेटमेंट uh, में एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन या फिर स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर देंगे ठीक है सो परसेप्शन इज द ऑर्गनाइजिंग प्रोसेस बाई विच इंटरप्रेट अवर सेंसुरी इनपुट जो भी इनपुट्स हैं जैसे इवेंट पी ओ पल थिंग uh, मैटर्स जो भी है ये हमारे लिए इनपुट्स हैं इनको हम ऑर्गेनाइज करते हैं सिलेक्ट uh, करते हैं ऑर्गेनाइज करते हैं और उसको इंटरप्रेट करते हैं और इंटरप्रेट करने के बाद उसको मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं हेयर आई एम कोडिंग वन एग्जाम्पल सो ईज़िल यू कैन अंडरस्टैंड वट इज द मीन ऑफ परसेप्शन टू परसनस आर कम्युनिकेटिंग टू ईच अदर दो लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं ठीक है थर्ड पर्सन इज़ ऑब्जर्विंग वट दे आर टॉकिंग वो क्या बात कर रहे हैं ठीक है uh, uh, the third person is not able to understand, uh, understand not able to understand what is the information they're communicating but their facial expression ही कैन ईजिली ऑब्जर्व तो वो अपने उनके फेशियल एक्सप्रेशन समझ पा रहा है लेकिन उसको क्लियरली सुना ही नहीं दे रहा कि वो बा, क्या बात कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे क्या है थोड़ा डिस्टेंस है जिसकी वजह से उसको आवाज़ नहीं आ रही है लेकिन वो क्लियरली ऑब्जर्व कर पा रहा है अब उसने क्या करा अपनी जो भी साइट है जो भी उसने अपनी सेंसोरी ऑर्गन स्टिमुलेट करे वहाँ से इन्फॉर्मेशन रिसीव करी कि भाई दो लोग आपस में बातचीत कर रहे थे लेकिन उन उनका जो कम्यनिकेशन था आई थिंक कुछ आ, आ, इम्पॉटेंट था क्योंकि उनके जो फेशियल एक्सप्रेशन थे वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव मोड थे मोड में थे हो सकता है दोनों के बीच किसी मैटर को लेके फाइट चल रही हो या फिर <coughs> वो आपस में उसको डिस्कस कर रहे हैं ठीक है तो वहाँ पे आपने अपना ये परसेप्शन बनाया कि आई थिंक दोनों के बीच कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है जिसकी वजह से वो इतने अग्रेसिव मोड में कम्युनिकेशन कर रहे हैं अब आपका ये परसेप्शन सही भी हो सकता है और सही नहीं भी हो सकता ठीक है ये डिपेंड करता है आपके सेंसोरी ऑर्गन्स पर कितना आपने क्लियरली और बेटर तरीके से एनवायरमेंट को परसीव किया ठीक है कितने आपके सेंसरी ऑर्गन्स बेटर तरीके से स्टिमुलेट हुए एनवायरनमेंट के लिए और आपने उसको इंटरप्रेट किया सो परसेप्शन इज़ द फर्स्ट इवेंट इन द चेन दैट लीड्स फ्रॉम द स्टिमुलस टू एक्शन कुछ फैक्टर्स जो परसेप्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं हमें कौन कौन से मेन फैक्टर्स होते हैं सो दो फर्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है सिचुएशन सेकंड है टारगेट और थर्ड है परसीवर ठीक है सिचुएशन टाइम वर्क सेटिंग और सोशल सेटिंग तो जब भी हम परसेप्शन की बात करें बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हमारे परसेप्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं ठीक है और जो इन्फ्लुएंस होता है उसके पीछे कुछ वैलिड रीजन्स होते हैं जिसकी वजह से हमारा परसेप्शन चेंज हो जाता है अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं टाइम की वर्किंग सेटिंग की कि आप किस किस आपके पास कितना सफिशेंट टाइम है ठीक है इफ़ यू हैव अ प्रॉपर टाइम देन यू यू कैन ईजिली ऑब्जर्व द एनवायरनमेंट आप बेटर तरीके से एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व कर लेते हैं जैसे एक मैनेजर है एक मैनेजर अपने सबॉर्डिनेट्स को परसीव भी करता है वो ठीक है वो ये देखता है कि हाउ अ पर्सन रिएक्ट रिएक्ट इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन एक कोई भी एक सबॉर्डिनेट एक पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करता है ठीक है उसके पीछे क्या रीज़न है अगर वो इस तरीके से रिएक्शन दे रहा है तो वो अपना परसेप्शन रेडी करता है कि भाई अगर हम फ्यूचर में इसको इस ये इस तरीके के टास्क देंगे तो उसका क्या बिहेवियर रहेगा ठीक है सेकेंड है वर्क सेटिंग हम किस तरीके से एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं और हमारे पास कितने सोर्सेज हैं वो भी अफेक्ट करते हैं हमारे परसेप्शन को और सोशल सेटिंग थर्ड जो सेकेंड जो फैक्टर uh, है वो है द टारगेट साइज़ साइज़ जैसे सपोज़ आप कोई भी एक वर्ड एक कोई डिस्प्ले लगा हुआ है तो डिस्प्ले का साइज़ कितना है ठीक है अगर डिस्प्ले बहुत छोटा है तो हमारी अटेंशन वहाँ पे बहुत कम जाएगी लेकिन अगर डिस्प्ले बहुत बड़ा है और बहुत ज़्यादा विजुलाइज है इंटेंसिटी ज़्यादा है बैकग्राउंड प्रॉपर है प्रॉक्सीमिटी है मोशन है बार बार मूव कर रहा है तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा एक तरीके से अटेंशन क्रिएट करने में हेल्प करती हैं ठीक है थीके? तो साइज़ इंटेंसिटी बैकग्राउंड लाइट हाई ये सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो अटेंशन क्रिएट करने में हेल्प करते हैं तो ये भी हमारे परसेप्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं जैसे हम किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो वहाँ पर देखिए अगर ऑफ़र्स लगे होते हैं तो ऑफर्स को बहुत ज़्यादा बोल्ड तरीके से विजुलाइज़ किया जाता है ताकि कस्टमर ईजिली उसको रिसीव कर ले ठीक है कस्टमर की अटेंशन पूरी ऑफ़र पर जाए लेकिन उसके बाद जो नीचे कंडीशन लगी होती हैं उनको बहुत ज्यादा स्मॉल और छोटे लेटर्स में लिखा जाता है ठीक है लेकिन ऑफर्स को बड़ा बोल्ड करके दिखाया जाता है कि भाई ताकि एकदम कस्टमर इन्फ्लुएंस हो जाए कि भाई यहाँ पे आज ऑफ़र चल रहा है ठीक है तो ये तरीका होता है परसेप्शन और अटेंशन को क्रिएट करने का तो ये भी ये सारे फैक्टर्स जो हैं हमारे परसेप्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं थर्ड है परसीवर हमारा एटीट्यूड क्या है हमारा मोटिव क्या है ठीक है अब ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो डे टू डे कुछ ना कुछ लर्न करने की कोशिश करते हैं दे आर एबल एंड दे हैव इंटरेस्टेड टू लर्न न्यू थिंग्स डे टू डे सो कुछ लोग कुछ वर्कर्स ऐसे होते हैं जो चैलेंजिंग जॉब में बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबल रहते हैं हमेशा वो चाहते हैं उनको नए नए चैलेंज मिलते रहें जहाँ वो नई नई चीज़ों को लर्न करते रहे तो ये सब हमारे मोटिवस होते हैं इस तरीके का हमारा एटीट्यूड होता है जो हमें हेल्प करता है और वहाँ हम अपने अपने परसेप्शन को सेट करते हैं ठीक है इंटरेस्ट हमारा किस चीज़ में है एक्सपीरियंस हम अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे भी फ्यूचर में जो भी चीज़ें हमारे सामने होती हैं उनको परसीव बेटर तरीके से कर सकते हैं जैसे सपोज आपके पा आपने कुछ रिसेंट में कुछ एक्सपीरियंस गेन करा कहीं आपने मीटिंग कंडक्ट करी तो मीटिंग में जो आपके ड्रॉबैक्स रहे वो दोबारा फ्यूचर में आप रिपीट नहीं करेंगे वो एक्सपीरियंस आपको हेल्प करेगा बेटर तरीके से फ्यूचर में मीटिंग में पार्टिसिपेट करने में ठीक है तो इस तरीके से बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं हमारे जो पास्ट एक्सपीरियंस होते हैं हमारी नॉलेज होती है जो हमें हेल्प करती है एनवायरमेंट को बेटर तरीके से परसीव करने में ठीक है और लास्ट है एक्सपेक्टेशन कि भाई हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है ठीक है तो तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो परसेप्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं परसेप्शन का प्रोसेस क्या होता है ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो लेट्स स्टार्ट वट इज़ द प्रोसेस ऑफ परसेप्शन? परसेप्शन का जो प्रोसेस होता है वो स्टिमुलस से ही स्टार्ट होता है स्टिमलाई को हम अटेंशन देते हैं रिसीव करते हैं ठीक है तो यहाँ पे तीन स्टेप बताए गए हैं परसेप्चुअल इनपुट्स परसेप्चुअल प्रोसेस और परसेप्चुअल आउटपुट परसेप्चुअल इनपुट में बात कर रहे हैं सेंसेशन सेंसेशन में हम बात कर रहे हैं कि भी जितने भी इनपुट्स हैं मैन पीपल है इवेंट uh, है ग्रुप है ठीक है ठीके? कोई भी प्रोग्राम कंडक्ट हो रहा है तो ये सारे इनपुट्स हैं अब इन इनपुट्स के लिए हम अपने सेंसरी ऑर्गन्स को स्टिमुलेट करते हैं ठीक है ठीके? जैसे सपोज कुछ भी हमारे सामने हुआ तो हमारी आंखों ने उनको देखा उस चीज़ को देखा उस चीज़ को सुना ठीक है तो स्टिमुलेट कर किया हमने अपने सेंसरी ऑर्गन्स को इनपुट्स के लिए ठीक है जह, जहां हम इसको सेंसेशन कह सकते हैं कि अभी हाँ हम फील कर रहे हैं कि भाई कुछ हो रहा है कुछ सुनाई दे रहा है ये सब चीज़ें सेकंड फिर जो प्रोसेस होता है परसेप्शन का वो होता है परसेप्चुअल प्रोसेस परसेपच्चुअल प्रोसेस में हम क्या करते हैं जो स्टिमुलाएँ होती हैं हम एनवायरमेंट में बहुत सारी स्टिमलाई होती हैं और हम सारी स्टिमलाई को एक साथ रिसीव नहीं कर सकते जितनी स्टिमलाई को हम अटेंशन देते हैं उनको हम रिसीव करते हैं उनको हम सिलेक्ट कर लेते हैं ठीक है तो जैसे कि सिलेक्शन आपने क्या करा स्टिमलाई को सिलेक्ट किया सिलेक्ट करने के बाद अगर दो चार बहुत सारी स्टिमलाएँ आपने सिलेक्ट करी हैं तो उनको आप ऑर्गेनाइज करते हो ठीक है कि भाई दो लोग आपस में बातचीत कर रहे थे बातचीत कर रहे थे और फिर उनके फेशियल एक्सप्रेशन भी अग्रेसिव मोड में थे और उनके जो जेस्चर पोस्चर्स थे वो भी थोड़े डिफरेंट तरीके से थे ठीक है तो ये आपने क्या करा इन सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करा ताकि बेटर तरीके से आप उसको इंटरप्रेट कर सको ठीक है फिर उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो इंटरप्रेटिंग ही होता है फिर आप उसको इंटरप्रेट करेंगे आप अपने मेंटल एफर्ट्स और एबिलिटी के थ्रू उनको एग्ज़ामिन करेंगे इंटरप्रेट करेंगे और उसको फिर परसेप्चुअल आउटपुट में कन्वर्ट कर देंगे ठीक है और उसी के हिसाब से फिर आपका बिहेवियर आपका आउटकम फाइंड होता है तो ये पूरा परसेप्शन का प्रोसेस होता है रिसेप्शन इन द प्रोसेस अ पर्सन रिसीव इंफॉर्मेशन थ्रू द स्टिमुलाए सिलेक्शन दिस इज गवर्न बाय टू टाइप्स ऑफ फैक्टर्स एक्सटर्नल फैक्टर और इंटरनल फैक्टर्स दीज आर साइज इंटेंसिटी प्रॉक्सिमिटी मोशन एंड नोबेलिटी और एक्सटर्न इंटरनल फैक्टर एटीट्यूड मोटिव एक्सपीरियंस इंटरेस्ट ओके ऑर्गेनाइजेशन इट इज़ द प्रोसेस बाई विच वी सॉट स्टिमलाई इन टू अ मीनिंगफुल पैटर्न टू इन्वॉल्व द ग्रुपिंग है ऑर्गेनाइजिंग है ठीक है आफ्टर दैट इंटरप्रिटेशन इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ एन आइडिया अबाउट द इंफॉर्मेशन दैट इज सेंसड सिलेक्टेड एंड ऑर्गनाइज जो भी हमने पहले सिलेक्ट किया है सो इट द सर्टेन फिना सेलेक्टिव परसेप्शन स्टीरियोटाइप हेलो इफेक्ट जो हम आगे पढ़ेंगे अभी ठीक है ये सारे क्या होते हैं परसेप्शन के एरर्स होते हैं तो इसी तरीके से हमारा परसेप्शन कम्प्लीट होता है इन तीन स्टेप्स के थ्रू परसेप्चुअल इनपुट प्रोसेस और आउटपुट ठीक है ओके थैंक यू इफ़ यू हैव डाउट एनी क्वरी देन यू कैन अगेन डिस्कस थैंक यू स्टूडेंट्स